नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एशियन गेम्स 2018 के बारे में जो अभी हाल ही में इंडोनेशिया में संपन्न हुए हैं। क्योंकि ये खेल जो है हर 4 साल बाद खेले जाते हैं, तो आने वाले 4 सालों तक इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा और अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने वही वही टॉपिक लिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और 100% इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे एक बात ये बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एशियन गेम्स 2018 के बारे में जान लेते हैं कि एशियन गेम, जिसे हम लोग एशियाई खेल या फिर एशियाड भी कहा जाता है, जो है इस बार वर्ष 2018 का एशियन गेम्स खेल का आयोजन इंडोनेशिया के दो शहर जकार्ता और पोलमबैंग में आयोजित किए गए। दो शहरों में आयोजित हुआ, जकार्ता और पोलमबैंग में, और यह पहला एशियन गेम्स था जो दो शहरों में आयोजित किया गया। इससे पहले जकार्ता में एशियाई खेल 1962 में भी आयोजित किए गए थे। मतलब कहने का मतलब है कि जो एशियाई खेल हुए हैं इंडोनेशिया में, इससे पहले 1962 में भी आयोजित किए जा चुके हैं। इंडोनेशिया में ये दूसरा जो है मौका था जो एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। आगे देख लेते हैं 18 एशियाई खेल के बारे में। जो 2018 एशियाई खेल का आधिकारिक चिन्ह जो था, ये हमने यहाँ पे बगल में दिखाया हुआ है, ये इसका 2018 एशियन गेम्स का आधिकारिक चिन्ह था, जिसके नीचे जकार्ता और पेलमबैंग 2018 लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं मेजबान नगर जो कौन कौन से थे। हमने बताया कि दो नगर थे, एक जकार्ता और एक पेलमबैंग, दो इंडोनेशिया के बड़े शहर इसके मेजबान नगर थे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस खेल का ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य था जो है एशिया की ऊर्जा, यानी कि एनर्जी ऑफ एशिया, एशिया की ऊर्जा। और प्रतिस्पर्धी देश कितने थे, मतलब टोटल कितने देशों ने इस खेल में भाग लिया? 45, यानी 45 देशों ने एशियन गेम्स 2018 में भाग लिया। प्रतियोगिताएं क्या क्या थी, जो है 40 खेल में 465 प्रतियोगिताएं हुई थी, जिसमें 40 खेल शामिल थे। उद्घाटन समारोह 18 अगस्त को हुआ था और समापन 2 सितंबर, यानी कि 18 अगस्त और 2 सितंबर 2018 के बीच में एशियन गेम्स इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबैंग में खेले गए। और इसका जो मुख्य स्टेडियम था, गेलोरा बांग कार्नो स्टेडियम, गेलोरा बांग कार्नो स्टेडियम, जहाँ पर इसका उद्घाटन और समापन समारोह आयोजित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियन गेम्स की ओपनिंग, ओपनिंग जो सेरेमनी हुई थी एशियन गेम्स की, इसकी शुरुआत व समापन जकार्ता के गेलोरा बंग कार्नो स्टेडियम में आयोजित किया गया। स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। जो है शुरुआत जो है समापन और शुरुआत दोनों एक ही स्टेडियम में होता, गेलोरा बैंक कार्नो स्टेडियम में। इसकी शुरुआत इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने की थी। इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने की थी। अगला देखते हैं, एशियन गेम 2018 का जो शुभंकर था वो जो है इस खेल में, जो है एशियाड खेल में तीन जो है शुभंकर थे। और ये कौन कौन से, इस खेल में तीन शुभंकर जारी हुए थे, जिसमें एक था भिन्न 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 पक्षी था, जो ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसका नाम रखा गया था भिन्न भिन्न, और ये इंडोनेशिया का एक पक्षी है। और दूसरा था ववियन हिरण, जिसका नाम रखा था अतुंग, अतुंग, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है अतुंग नाम रखा गया था एशियाई खेल में शुभंकर में इसका, और ये एक प्रकार का ववियन हिरण है। और तीसरा था जो आपको ये बड़ा दिख रहा है, जावी गैंडा, गैंडा प्रजाति का है, इसका नाम काका रखा गया था एशियाई खेलों में शुभंकर में। तो तीन शुभंकर थे, भिन्न भिन्न, अतुंग और काका, और ये तीनों ही क्रमशः देश के पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही ये क्रमशः रणनीति, गति और ताकत को भी दर्शाते थे। इनको इसलिए शामिल किया गया था कि इनका जो प्रतीक माना गया था कि ये रणनीति, गति और ताकत को दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसकी जो मशाल दौड़ होती है, क्योंकि जितने भी खेल होते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर एशिया, सब में जो है मशाल की जो है परंपरा चली आ रही है। तो मशाल दौड़ जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुई, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एशियाई खेल 2018 थे, कि इसकी मशाल दौड़ का प्रारंभ 15 जुलाई 2018 को नई दिल्ली स्थित
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशाल दौड़ की शुरुआत इंडिया से हुई थी और इंडिया में नई दिल्ली से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से हुई थी। क्यों इंडिया से शुरुआत हुई? क्योंकि एशियाई खेलों की शुरुआत ही इंडिया से हुई थी, जहाँ प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, यानी कि 1951 में पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में खेला गया था। इसलिए मशाल दौड़ का प्रारंभ 15 जुलाई को जो है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि पहले एशियाई खेल कहाँ खेले गए, तो 1951 में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दौड़ का समापन 17 अगस्त को राष्ट्रीय स्मारक पर इंडोनेशिया के 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुआ, यानी कि 17 अगस्त को जो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी दिन मशाल दौड़ का समापन हुआ था। और इसके पश्चात जो है 18 अगस्त से गेलोरा बंग कार्नो स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में इसको शामिल किया गया, यानी कि 17 अगस्त को जो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन मशाल दौड़ समाप्त हुई थी। अगला देखते हैं एशियन गेम्स में भारत। एशियन गेम्स में भारत में सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली बार एशियन गेम्स में दो नए खेल जो है प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किए गए थे, जिनमें ई स्पोर्ट्स और कैनो पोलो। ई स्पोर्ट्स और कैनो पोलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ये प्रदर्शनी खेलों के रूप में आयोजित हुए थे, मतलब इन खेलों में किसी भी प्रकार के पदक नहीं दिए गए, ये खेल शामिल किए गए थे। आने वाले जो है दिनों में जो खेल होंगे, यानी कि ई स्पोर्ट्स को 2022 एशियाई खेलों के में मुख्य खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। अभी ये ट्रायल के रूप में इस खेल में शामिल हुआ था। और 2022 का जो एशियाई खेल होगा वो चीन में होगा, ये भी आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2022 वाले ई स्पोर्ट्स को जो है चीन वाले खेल में इसको शामिल किया जाएगा। और एशियन गेम्स जो है इस बार एशियन गेम्स में 10 नए खेल एशियन गेम्स में खेले गए, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि 10 नए खेलों को एशियन गेम्स में शामिल किया गया। और एशियन गेम्स 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक कौन था? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी और जो है जो समापन समारोह होता है, इसमें ध्वजवाहक के नाम पूछे जाते हैं। तो जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से खेल से संबंधित है, नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे ओपनिंग में। और भारत की तरफ से 572 खिलाड़ी ने 36 खेलों में भाग लिया था। 36 खेलों में कुल मिला के 572 खिलाड़ी जो है एशियन गेम्स 2018 में भाग लिए थे। और समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी रानी रामपाल, जो कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक थी और ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आने वाले दिनों में। अगला देखिए कि पहला एशियन गेम्स जो हमने बताया कि 1951 में नई दिल्ली यानी भारत में आयोजित किए गए थे, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है और आने वाले दिनों में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये इस पेज पे जितने भी दिए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको जो है ज़रूर याद रखिए। आगे देखते हैं कि पदक तालिका के बारे में कि कौन सा देश इसमें कितने स्वर्ण और कितना पदक टोटल पाया। तो सबसे पहले पदक तालिका में जो है स्थान था चीन का, चीन ने जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो है पदक जीते, जो कुल मिला के 289 पदक थे, जिसमें 132 स्वर्ण पदक। दूसरे नंबर पे था जापान और तीसरे पे दक्षिण कोरिया, चौथे पे इंडोनेशिया, जो कि मेजबान देश था इंडोनेशिया, और किस स्थान पे था? चौथे स्थान पे। एशियन गेम्स में पदक तालिका में केवल तीन चार चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश था, चीन था सबसे पहले स्थान पे, और जो मेज़बान इंडोनेशिया था वो चौथे स्थान पे था, और जो भारत का स्थान था वो आठवां, पदक तालिका में भारत का स्थान आठवां था। कुल 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक के साथ 69 पदक टोटल भारत ने इस पदक तालिका में इस प्रतियोगिता में एशियन गेम्स 2018 में जीते थे। तो ये भारत का आपको तीनों पदक याद रखने हैं, कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य। तो 15 स्वर्ण याद रख लीजिए और इसी का दोगुना कर दीजिए तो 30 कांस्य हो जाएगा, याद करने के लिए थोड़ा आसानी होगी। 15 स्वर्ण के साथ 30 कांस्य यानी कि, और टोटल याद रख लीजिए 69,
तो 15 और 30 आप 45 कर लीजिएगा और 69 से घटा दीजिएगा, उतना रजत आ जाएगा। तो 15 जो है स्वर्ण याद कर लीजिए और 30 कांस्य याद कर लीजिए, और टोटल पदक पता ही है, 69 पदक भारत ने जीते थे। तो भारत का पदक तालिका में स्थान अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो 8वां स्थान था, और टोटल कितने पदक जीते तो 69, और जिसमें से 15 स्वर्ण और 30। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले स्थान पे कौन सा देश था, चीन, और जो मेज़बान शहर था, जो मेज़बान देश था, वो जो है चौथे स्थान पे, यानी कि इंडोनेशिया जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर कुल 98 पदक के साथ था, और जो है भारत का स्थान जो था 8वां था, जिसमें भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक जीत, कुल मिला के 69 पदक जीते थे। अब चलिए देख लेते हैं कि पदक तालिका में भारत की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी जो 15 स्वर्ण पदक जीते थे वो थे, और किस स्टेट से संबंधित थे, क्योंकि एग्जाम में यही आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस स्टेट से संबंधित है और उसने कौन से पदक जीते थे। तो गोल्ड मेडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि गोल्ड से ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोल्ड मेडल के बारे में, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है महिला जो है फ्री स्टाइल 50 kg में जो है जीती थी, हरियाणा से संबंधित है, भिवानी हरियाणा की रहने वाली हैं। तो विनेश फोगाट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ही बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द गेम्स, एशियन गेम्स में पहली महिला जो है खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है रेसलिंग में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो विनेश फोगाट का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था और पहली महिला खिलाड़ी है जो एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा की रहने वाली हैं। अगला देखते हैं सौरभ चौधरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यूपी मेरठ के रहने वाले हैं, और ये खास बात है कि इंडिया की सबसे जो है युवा खिलाड़ी थी, मात्र 16 साल की एज है इनकी, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिया के सबसे जो है युवा खिलाड़ी हैं। तो आने वाले एग्जाम में इनका नाम जरूर पूछा जाएगा, सौरभ चौधरी। सबसे दो तीन चीज नाम से याद रख लीजिए कि जो है पिस्टल से संबंधित है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था, कहाँ के रहने वाले थे तो यूपी मेरठ के रहने वाले हैं, और इंडिया के सबसे कम एज के जो है खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। अगला देख लेते हैं राही सरनोबत। राही सरनोबत जो है इंडियन वोमेन, ये जो है 25 मीटर एयर पिस्टल में जो है महाराष्ट्र कोल्हापुर की रहने वाली हैं, और राही सरनोबत की बात में ये भी है कि फर्स्ट इंडियन वोमेन शूटर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जैसे सौरभ चौधरी थे कम एज के थे, वैसे राही सरनोबत जो है पहली महिला खिलाड़ी हैं शूटर में जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अगला देखते हैं गोल्ड मेडल जो है एरोइंग में, जो नौकायन बोला जाता है, इसमें 4 लोगों ने जीता है, इसमें श्रवण सिंह, दत्तू, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह, 4 लोगों ने जो है नौकायन में जो है भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। अगला देखते हैं रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने जो है जीता है लॉन टेनिस में, मेंस डबल लॉन टेनिस में, रोहन बोपन्ना बेंगलुरु के हैं और दिविज शरण जो है न्यू दिल्ली के हैं, तो इन दोनों लोगों ने जो है लॉन टेनिस में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। अगला है तेजविंदर पाल सिंह तूर। तेजविंदर पाल सिंह तूर जो है पंजाब के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो है गोला फेंक में जो है शॉट पुट में जो है इन्होंने जीता हुआ है गोल्ड मेडल, और इन्होंने जो है एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है कि पिछले जो 6 साल पुराना रिकॉर्ड था ओम प्रकाश का, जो इन्होंने 20.69 मीटर का जो गोला फेंक था उससे ज़्यादा इन्होंने 20.75 मीटर का फेंक के नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। तेजबेंडर पाल सिंह तूर पंजाब के रहने वाले हैं। अगला देखिए नीरज चोपड़ा, जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जो है भाला फेंक से हमने बताया था संबंधित है, जेवलिन थ्रू से, और ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। और नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड इज़ इंडियाज़ ओनली सेकेंड मेडल इन द जेवलिन थ्रो, मतलब दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है एशियन गेम्स में जो है, इससे पहले
गुरतेज सिंह ने जो है एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1982 में, और इनका ये जो है पहला गोल्ड मेडल है। मतलब मेडल के मामले में जेवलिन थ्रो में दूसरा मेडल है, जबकि नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगला अरपिंदर सिंह। अरपिंदर सिंह एथलीट्स हैं जो ट्रिपल जंप पे इन्होंने जीता है, पंजाब के रहने वाले हैं, और ये पिछले 48 साल के बाद एशियन गेम्स में जो है किसी ट्रिपल जंप ने किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगला देखते हैं मनजीत सिंह। मनजीत सिंह जो है 800 मीटर दौड़ में जो हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इससे पहले जो है 800 मीटर दौड़ में 1982 में एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन जो है जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, जो हेप्टाथलॉन यानी कि सात जो है दौड़ होती है, हेप्टाथलॉन सात दौड़ होती है, जिसमें से इन्होंने कुल मिला के रैंक दी जाती है, नंबर दिया जाता है, उसके बाद निकाला जाता है कि कौन पहले स्थान पे है सातों दौड़ को मिला के। तो उसमें इन्होंने स्वप्ना बर्मन ने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगला है जिनसन जॉनसन, जो है 1500 मीटर दौड़ में जो है केरला के रहने वाले हैं, इन्होंने जो है जीता हुआ है गोल्ड मेडल। अगला है गोल्ड मेडल जो है ओमेंस 4x400 रिले में दौड़ में जो है इन चार लोगों ने जीता है, जिसमें हिमा दास, एम आर पुमन्ना और सरिता बेन गायकवाड़ और बी के बिस्मया, ये चारों लोगों ने मिलकर जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और नेक्स्ट है अमित पंघल। अमित पंघल ने जो है बॉक्सिंग में जीता हुआ है गोल्ड मेडल, और इनकी खास बात है कि इन्होंने जो है 2016 ओलंपिक चैम्पियन को हराया हुआ है, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और नेक्स्ट है प्रणो वर्धन और शिवनाथ सरकार। ये जो है ब्रिज, ब्रिज जो हमने बताया कि 10 नए खेल इस बार एशियाई खेलों में खेले गए थे, उसमें ब्रिज भी ऐसा खेल है जो पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया, और उसमें भारत की तरफ से प्रणो वर्धन और शिवनाथ सरकार ने जो है, इनकी 56 और 60 साल के हैं, इन लोगों ने जो है इसमें खेला था। ब्रिज जो है ताश के पत्तों का खेल होता है, जो पहली बार शामिल किया गया था एशियाई खेलों में। तो द स्पोर्ट ऑफ ब्रिज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एशियन गेम्स। ये पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से जो 10 नए खेल खेले गए थे, उसमें किसने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो नाम और जो है खेल दोनों याद रखिएगा। और इसके अलावा एक गोल्ड मेडल और मिला था जो बजरंग पुनिया को मिला था, हरियाणा के हैं उनको। तो टोटल ये 15 गोल्ड मेडल जो है भारत ने एशियाई गेम्स में जीते हुए थे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और दो तीन बार देखिए, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको कम से कम दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे अगर आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।